हुआ। 2024 रोमांचक होगा क्योंकि इसमें कुछ लार्जर देन लाइफ वाली पैन इंडिया फिल्म रिलीज होने वाली है। मोस्ट अवेटेड में से एक है कांगवा। ये ना केवल सूर्य की कास्टिंग के कारण मोस्ट अवेटेड है बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें बागी एक्ट्रेस हॉट एंड सेक्सी दिशा पाटनी और एनिमल विलन बॉबी देओल है। एनिमल की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से ये काफी लार्ज स्केल पर है। एज अ रिजल्ट कांगवा के पास हिंदी ऑडियंस मार्केट में धमाकेदार शुरुआत करने का बड़ा मौका है। और अगर न्यू अपडेट्स पर हम बिलीव करें ना तो एक और एक्साइटिंग पीस फिल्म का पार्ट हो सकता है। जी हाँ, सिनेमा मार्केट में बस के अकॉर्डिंग कांगवा के मेकर्स ने कार्तिक आर्यन से कॉन्टेक्ट किया है। स्पेकुलेशंस है कि मेकर्स मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में एक विलन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसके लिए वो एक फेमस हिंदी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं जो सीक्वल में विलन के रोल में रहे। बस के अकॉर्डिंग कांगवा की फर्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर की 5 से 10 मिनट का कैमियो रहेगा। अगर चीजें ठीक होती है तो ये कार्तिक आर्यन की पहली तमिल और पहली बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी। इस बीच कार्तिक आर्यन कबीर खान डायरेक्टेड अपनी मच अवेटेड स्पोर्ट्स फिल्म चंदू चैंपियन में बिजी है। वो जल्द ही भूल भैया 3 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे जो कि दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। थोड़ी बात कांगवा के टाइटल की कर लेते हैं। तमिल वर्ड कांगू का मीनिंग होता है आग और कांगवा का मीनिंग है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर। अपकमिंग तमिल मूवी कांगवा के लिए टाइटल इसलिए सेलेक्ट हुआ है क्योंकि ये अट्रैक्टिव पावरफुल एंड मीनिंगफुल है। दोस्तों इसमें उन सभी 10 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है जिसमें फिल्म रिलीज होगी। इसकी स्टोरी कांगवा की कहानी एस वेंकटेशन की किताब वेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कांगवा में एक बार फिर से एक ऐसे राजा की कहानी स्क्रीन पर उतरने वाली है जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। कांगवा शिव द्वारा डायरेक्टेड और यूबी क्रिएशंस और स्टूडियो ग्रीन द्वारा सपोर्टेड है। इसका बजट 300 से 350 करोड़ रुपए के बीच होने की एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा लुक पोस्टर कुछ दिनों पहले लॉन्च किया गया था और इसे काफी पसंद किया गया। देवी श्री प्रसाद के म्यूजिक के साथ कांगवा को 3D फॉर्मेट में 10 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। आप कांगवा के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।